ये रख करूं, ये लिखे सबने? हाँ सर, एक सेकेंड ना, इसको रब कर देता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग लिखो एब्जॉर्प्शन पावर। नेक्स्ट हेडिंग इज द एब्जॉर्प्शन पावर। एब्जॉर्प्शन पावर लिखे हेडिंग? हाँ सर, सब लोगों ने राइट डाउन डेफिनेशन लिखो इसका। एब्जॉर्प्शन पावर ऑफ अ बॉडी, एब्जॉर्प्शन पावर ऑफ अ बॉडी, एब्जॉर्प्शन पावर ऑफ अ बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर, at a given temperature is defined as the amount of radiant power और radiant energy लिखो, ज्यादा बेटर होगा। power को cancel कर दो, radiant energy absorbed radiant energy absorbed by a surface at that temperature, statement read करके कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर, हाँ सर। क्या formula होगा इसका? R upon 80 नहीं, Q upon 80। हाँ सर, Q। सेम वही फॉर्मूला है ना, खाली एक जगह एमिशन लिखा है और एक जगह क्या लिखा है, एब्जॉर्प्शन। डेफिनेशन विल रिमेन द सेम, फॉर्मूला विल रिमेन द सेम। सर डिनोट भी सेम है। हाँ बोलो, डिफरेंस क्या है दोनों में? अरे एक एमिट कर रहा है, एक एब्जॉर्ब कर रहा है, ये डिफरेंस है। ओके सर। अरे एमिशन और एब्जॉर्प्शन का मतलब ही भूल गए। एमिशन मतलब रेडिएशन बाहर निकलना, और एब्जॉर्प्शन मतलब रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेना। ब्लैक बॉडी क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है ना। हाँ सर। अरे गजनियों, अरे पाप लगे करे तुम लोगों को। नेक्स्ट हेडिंग डिनोट किससे करेंगे? किसको? इससे, इसको किसी से डिनोट नहीं करते, ठीक है? या फिर अगर डिनोट भी करना होगा तो ए से डिनोट कर देना, एब्जॉर्प्शन पावर ए से डिनोट कर देंगे, ठीक है? एब्जॉर्प्शन है ना, तो ए से डिनोट कर दो, ठीक? हाँ सर। आगे बढ़े? हाँ सर, यस सर। नेक्स्ट हेडिंग क्रिस्टॉफ्स लॉ। नेक्स्ट हेडिंग इज क्रिस्टॉफ्स लॉ। क्रिस्टॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन, क्रिस्टॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन लिखे हेडिंग? हाँ सर। तो पहले स्टेटमेंट लिखो, हेडिंग लिख लिया ना? हाँ सर। राइट डाउन इट स्टेटमेंट। एट एनी गिवन टेम्परेचर, एट
एनी गिवन टेम्परेचर एट एनी गिवन टेम्परेचर द रेशियो ऑफ द एमिसिव पावर emissive power capital R to the coefficient of absorption coefficient of absorption A is constant is constant for all bodies and it is equal to the emissive power of a perfectly black body perfectly black body को RB से डिनोट करो at same temperature लिखे स्टेटमेंट पूरा हाँ सर यस स्टेटमेंट लिखा सब लोगों ने हाँ सर हाँ सर ओके अब गाइस ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसी को फॉर्मूला वाइज जरा हम लोग समझ लेते हैं कि क्या बोल रहा है तो यहाँ पे मैथमेटिकली हम लोग अगर देखें तो एमिसिव पावर पर यूनिट एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन व्हिच इज इक्वल टू द दैट एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी ये पूरा जो इक्वेशन मैंने लिखा है इसी को स्टेटमेंट में दिया हुआ है राइट तो अगर मैं यहाँ से ए फाइंड आउट करूं तो क्या मिलेगा दैट ए व्हिच इज इक्वल टू आर अपॉन आर बी Yes or no? That is the equation number one. But from definition में हमारे पास coefficient of emission का क्या मिला था? That E which is equal to the R अपॉन आर बी यस ऑर नो यस सर दैट इज द इक्वेशन टू तो देखो एक एब्जॉर्प्शन दिख रहा है और एक एमिशन दिख रहा है तो जब कंपेयर करेंगे इक्वेशन वन एंड टू को तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई देगा कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन विच इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन सुना आप लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन ये पूरा फॉर्मूला लिखो यहाँ पे सर ये क्वेश्चन मेरे को आज आया था पेपर में आया था कॉलेज के हाँ चलो ठीक है लिखे सबने हाँ सर सर एक मिनट लिख लो सर ये क्या लिखा है बट फ्रॉम
क्या हुआ सर? बट फ्रॉम ये क्या लिखा है आगे? बट फ्रॉम डेफिनेशन. स्नेहल आज एक्टिव है एकदम. हाँ गुड स्नेहल, गुड. लिखे सबने? हाँ सर. हाँ सर. अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, दस क्रिश्चफ लॉ कैन ऑल्सो बी, दस क्रिश्चफ लॉ कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज, स्टेटेड एज, दस क्रिश्चफ लॉ कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज, ऐसे डबल कॉमा में लिखो, at a given temperature, at a given temperature, at a given temperature, the coefficient, the coefficient the coefficient of absorption, the coefficient of absorption of a body, coefficient of absorption of a body is equal to its coefficient of emission, coefficient of emission, coefficient of emission मतलब E is equal to A. सुना सब लोगों ने? तो स्टार्टिंग में रिपीट करो ना एक बार. अरे एक लिखा हुआ है भाई देख ले, इसीलिए तो लिख दिया ना स्क्रीन पे. बट सोचो कितने कौन से लेवल का तुम लोग बंद है. अरे पाप लगेगा रे तुम लोगों को. नहीं वो स्टेटेड एज द गिवन उसके आप मतलब पहले वाला मतलब उसको भी अगर मैं 50 बार बोलूं तो भी तुम लोग छोड़ोगे. दस क्रिश्चफ लॉ कैन ऑल्सो, दस क्रिश्चफ लॉ कैन ऑल्सो, अगर क्रिश्चफ लॉ का स्टेटमेंट है तो ये स्टेटमेंट कौन देगा? हु स्टेटेड? अरे थोड़ा तो कॉमन सेंस रखो रे. तुम लोग का बोर्ड एग्जाम में देने चलूं? नो सर. यस सर. अरे तुम लोगों का ना अगर मतलब वहां पर कॉपी भी करने देंगे ना तो तुम लोग एग्जामिनर का ही मुंह देखोगे और बोलोगे सर आप ही लिख दो ना थोड़ा सा, हमको समझ में ही नहीं आ रहा है. बेइज्जती है, बेइज्जती फील होती है कि नहीं तुम लोगों को? जी सर पढ़ के जाएंगे सर. इसको बेशर्मियत कहते हैं. बताओ बेइज्जती फील नहीं हो रही है? सच में कलयुग आ गया भाई. ओके ये तो गाइस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्रिश्चफ लॉ को प्रूव किया है. अब क्रिश्चफ लॉ का थ्योरी भी है मतलब थ्योरेटिकल प्रूफ है, तो जरा थ्योरेटिकल प्रूफ लिखते हैं. गिव द हेडिंग थ्योरेटिकल प्रूफ ऑफ क्रिश्चफ लॉ, थ्योरेटिकल प्रूफ ऑफ क्रिश्चफ लॉ, theoretical proof of Kirchhoff law. लिखे सबने? हाँ सर. theoretical proof of Kirchhoff law. Write down the first point everyone. लेकिन पहला point लिखने के पहले एक diagram है आप लोगों के textbook में, जरा वो diagram बना लो Kirchhoff law का. Wait हाँ इधर गया भाई ही नहीं, मैं बनाता हूं भाई आपके टेक्स्ट बुक को क्या कहें. पहले तो आप लोग एक डायग्राम बना लो ठीक है. अब गाइस यहाँ पर हम लोगों ने एक चैम्बर लिया है,
इस चेंबर में हम लोग दो चीजें लगाने वाले हैं, दो बॉडी, एक ऑर्डिनरी बॉडी है ठीक है, और दूसरी ब्लैक बॉडी है। सुना आप लोगों ने, एक कौन सी बॉडी है? ऑर्डिनरी बॉडी, और एक क्या है? ब्लैक बॉडी। तो अब यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है और यहाँ पे एमिट हो रहा है। जो एरो अंदर की तरफ आ रही है वहां पर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, और जो एरो बाहर की तरफ जा रही है वहां पे हीट एमिट हो रहा है। सेम कंडीशन यहाँ पर ब्लैक बॉडी के लिए भी है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है और एरो जब बाहर की तरफ जाएंगे मतलब वहां पे एमिट होगा, मतलब ब्लैक बॉडी से हीट बाहर जाएगा। ये डायग्राम बना लो। और ये जो है ये है यूनिफॉर्म टेम्परेचर एनक्लोजर, यूनिफॉर्म टेम्परेचर एनक्लोजर। ये डायग्राम बना लो, देन वी विल मूव पॉइंट टू पॉइंट। डन सर। डन सर। ऑल बना लो, बना लो। Denol. Yes, sir. खुशाल इग्नोर कर, छोटे छोटे बच्चे हैं। डायग्राम बनाया सबने? हाँ सर। अब गाइस ब्लैक बॉडी का काम क्या होता है? हीट को एब्जॉर्ब करना, राइट? लेकिन यहाँ हाँ, पे डायग्राम में क्या दिख रहा है कि ब्लैक बॉडी हीट को एमिट कर रहा है। एक सेकंड गाइस, अब गाइस ब्लैक बॉडी का काम तो है हीट को एब्जॉर्ब करना, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि हीट एमिट भी कर रहा है। तो अगर हम लोग ब्लैक बॉडी में कंटिन्यूअसली हीट सप्लाई करना शुरू करें, सुना आप लोगों ने, अगर हम लोग ब्लैक बॉडी में कंटिन्यूअसली हीट सप्लाई करते रहें तो कुछ देर के बाद जो ब्लैक बॉडी है वो भी हीट को क्या करने लगेगी? एमिट करने लगेगी। सुना आप लोगों ने, ये वैसे ही हीट एमिट करेगी जैसे कि एक ऑर्डिनरी बॉडी भी हीट को एमिट करता है। सुना आप लोगों ने? एक्चुअली दोनों बॉडी सेम अमाउंट में हीट एमिट करेगी। यस, दोनों बॉडीज को हम लोगों ने एक चेंबर में रख के कंटिन्यूअसली हीट सप्लाई किया है, तो दोनों बॉडी हीट को एब्जॉर्ब तो की लेकिन उसके बाद ये एमिट करना शुरू कर देती हैं। जिस तरीके से एक ऑर्डिनरी बॉडी हीट को एमिट करता है उसी सेम फॉर्मेट से ब्लैक बॉडी भी हीट को क्या करना शुरू कर देता है? एमिट। क्यों एमिट कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग कॉन्स्टेंटली यूनिफॉर्मली टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं? उन दोनों बॉडीज के अंदर इंक्रीज कर रहे हैं। थोड़ा बहुत हीट डालोगे तो जाके ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन कंटिन्यूअसली उसके अंदर हीट सप्लाई करते ही रहोगे तो वो भी क्या करेगा? हीट को एमिट करना शुरू कर देगा। सुना सबने? कोई भी चीज एक लिमिट तक होती है, लिमिट से बाहर जाएगा तो वो क्या करेगा? हीट को वो भी एमिट करना शुरू कर देगा। इज दैट क्लियर ऑल? यस सर। यस सर। ओके, सो राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट। ये रब कर दूं डायग्राम? आप लोगों ने डायग्राम बनाया है? हाँ सर। हाँ सर।
एक सेकंड राइट ऑन द फर्स्ट पॉइंट कंसीडर एन ऑर्डिनरी बॉडी ओ कंसीडर एन ऑर्डिनरी बॉडी ओ एंड परफेक्टली ब्लैक बॉडी बी कंसीडर एन ऑर्डिनरी बॉडी ओ एंड परफेक्टली ब्लैक बॉडी बी परफेक्टली ब्लैक बॉडी बी ऑफ सेम डायमेंशन of same dimension suspended in a of same dimension suspended in a uniform temperature enclosure suspended in a uniform temperature enclosure as shown in the figure कौन है बताओ जरा अरे अंधो सोते रहते हो तुम लोग सर नेट लैग आई रिपीट कंसीडर एन ऑर्डिनरी बॉडी ओ एंड परफेक्टली ब्लैक बॉडी बी ऑफ सेम डायमेंशन सस्पेंडेड same dimension suspended in a uniform temperature enclosure as shown in the figure likhe sabne ha sir next point mein likho at thermal equilibrium both the bodies will have same temperature as that of the enclosure ठीक है सबने हाँ सर as that of the enclosure next point में लिखो quantity of heat absorbed per unit area per unit time by ordinary body quantity of heat absorbed per unit time by a ordinary body O is equal to AQ लिख लो O is equal to AQ लिखा सब लोगों ने हाँ सर नेक्स्ट पॉइंट लिखो क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी एमिटेड per unit area per unit time by ordinary body O is equal to E मतलब एक बार ordinary body heat को क्या कर रहा है absorb कर रहा है तो वहां पे O is equal to AQ लिखा है और दूसरी बार ये क्या कर रहा है emit कर रहा है इसलिए O is equal to E लिखा है okay sir हाँ per unit time by body O is equal to E हाँ सर मतलब एक बार हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो एब्जॉर्ब करने का फॉर्मूला O is equal to AQ एक बार हीट को एमिट कर रहा है इसलिए O is equal to E got it हाँ सर नेक्स्ट लाइन में लिखो since there is no
change in temperature. लिखे यस सर हां सर नेक्स्ट पॉइंट लिखो क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी गाइज एक सेकेंड ये जो पॉइंट आप लोगों ने लिखा है ना उसके पहले एक और भी पॉइंट लिखना था लाइक इन दोनों को हम लोग कंपेयर जब करेंगे तो इक्वेशन क्या मिलेगा E इज इक्वल टू ए क्यू अगर यहां से मैं Q फाइंड आउट करूं तो E अपॉन A ये इक्वेशन लिख लो जरा ये जो पॉइंट आप लोगों ने अभी लिखा ना उसके ऊपर ये पॉइंट लिख लो जरा दोनों इक्वेशन का ही मतलब ऑर्डिनरी बॉडी का एब्जॉर्प्शन और एमिशन हम लोगों ने यहाँ पे इक्वलाइज किया हुआ है लिखे हाँ सर सर वो आपने बोला था ना सिंस देयर इज नो चेंज इन टेंपरेचर उसके आगे उसके नीचे लिखना है उसके नीचे ये दोनों लिखना था हाँ सर लिखे हाँ सर ओके मैं वापस वो वाला पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ इसके नीचे वाला क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी बी इज इक्वल टू क्यू मतलब आप ब्लैक बॉडी का हीट एब्जॉर्प्शन है ये सो बी इज इक्वल टू क्यू लिखे नेक्स्ट पॉइंट में लिखो द रेडिएंट हीट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी सर रिपीट कर रहा हूं द रेडिएंट हीट एनर्जी emitted per unit time per unit area by perfectly black body B is equal to RB या फिर RB भी लिख सकते हो RE भी लिख सकते हो तो लाइक मैंने ऊपर E से डिनोट कर दिया है तो आप लोग इसको E B से भी डिनोट कर सकते हो यहाँ पे इक्वल करके R शो कर दो और यहाँ पे इक्वल करके RB शो कर दो ये जो इक्वेशन नंबर वन है यहाँ पर एक और फॉर्मूला ऐड हो जाएगा लाइक R अपॉन A ओके अब इसके नीचे लिखो सिंस देयर इज हाँ A किधर गया A यहाँ पर A की जरूरत नहीं है ठीक है ओके सर मतलब ब्लैक बॉडी में हीट अब्सॉर्प्शन डायरेक्टली बी इज इक्वल टू क्यू से डिनोट करना है ठीक है गाइस ये जो मैं आर लिखा हूं ना ये आर आपके टेक्स्ट बुक में डिनोट किया हुआ है ओके आर आपके टेक्स्ट बुक में डिनोट किया हुआ है इसलिए आर से शो कर दिया मैंने ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो ठीक है yes. तो अब अगर यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट लाइन में लिखें सिंस देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर तो क्या होगा RB इज इक्वल टू क्यू राइट दैट इज द इक्वेशन नंबर टू एंड इट इज द इक्वेशन नंबर वन नाउ विल कंपेयर इक्वेशन नंबर वन एंड टू कंपेयर इक्वेशन वन एंड टू कंपेयर करेंगे क्या मिलेगा लाइक R अपॉन A इज इक्वल टू RB राइट हाँ R upon A is equal to RB
लिखे सबने? हाँ सर। हाँ सर। ऊपर वाला स्टेप रब कर रहा हूँ गाइस मैं। तो गाइस अब अगर मैं यहाँ से ए फाइंड आउट करूँ, तो ए फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा? आर अपॉन आर बी, दैट इज द इक्वेशन नंबर टू। बट डेफिनेशन में क्या मिला हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन में? ई इज इक्वल टू आर अपॉन आर बी, दैट इज द इक्वेशन, इसको इक्वेशन थ्री दे दो। हाँ इक्वेशन थ्री एंड दैट इज द इक्वेशन नंबर फोर। इक्वेशन थ्री और फोर को कंपेयर करेंगे इक्वेशन थ्री एंड फोर, क्या इक्वेशन मिलेगा यहाँ पे? लाइक ए इज इक्वल टू ई, मतलब जितना हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है उतना ही हीट एमिशन हो रहा है, राइट? हाँ सर। हाँ सर। लिखे सबने? गाइस यही क्रिस्टॉफ लॉ का थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन था, लाइक एक्सपेरिमेंटली कि किस तरीके से एक ब्लैक बॉडी भी हीट को उतने अमाउंट में एमिट करता है जितना कि एक ऑर्डिनरी बॉडी अगर दोनों के अंदर कंटिन्यूअसली हीट सप्लाई करें। ओके लिखा सब लोगों ने? हाँ सर। हाँ सर। समझ में आया सबको? हाँ सर। Yes, sir. Okay. Write down next heading, Stephen's law. Stephen's law. Stephen's law of radiation. Stephen's law of radiation. स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन लिखे? हाँ सर। अब मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला दे रहा हूं, जरा स्टेटमेंट बनाओ। तो टी का मतलब टेम्परेचर, टी रेस टू फोर, हाँ, और आर बी का मतलब रेडिएटिंग पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, रेडिएटिंग पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। Radiating power of black body. Sir. हाँ. Stephen's law of radiant is defined as radiating power of black body is directly proportional to the absolute temperature of absolute fourth temperature. Fourth power of absolute temperature. Okay. Yes sir. ये statement है, यहाँ पे definition नहीं है, ये एक statement है. Radiating power of perfectly black body is directly proportional to the fourth power of absolute temperature. सुना सब लोगों ने? और radiating power को हम लोग क्या लिख सकते हैं? Radiating energy per unit time per unit area. क्या लिख सकते हैं? Radiating मतलब per unit time per unit area. Per unit time per unit. RB का यही formula था ना, per unit area per unit time. लिख सकते हैं ना Q upon area into time which is directly proportional to the fourth power of absolute temperature. Yes or no? Yes sir. Write down statement, लिखो उसका। The amount of radiant energy, the amount of radiant energy emitted, the amount of radiant energy emitted per unit area per unit time, per unit area per unit time by a perfectly black body, per unit area per unit time by a perfectly black body is directly proportional to the is directly proportional to the fourth power is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature, fourth power
ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, लिखा सब लोगों ने? हाँ सर। फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो गाइस इसको मैं अभी थोड़ा बाद में लिखता हूँ, पहले इसको इक्वल साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इक्वल साइन में कन्वर्ट करेंगे तो वी रिक्वायर समथिंग कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी, तो यहाँ पे सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो सिग्मा क्या है? स्टीफंस कांस्टेंट है। सिग्मा क्या है? स्टीफंस कांस्टेंट। स्टीफंस कांस्टेंट है, स्टीफंस कांस्टेंट की वैल्यू है 5.67 इंटू 10^-8। 5.67 इंटू 10^-8 जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड इंटू केल्विन रेस टू 4। ये लिख लो जरा सब लोग। सर सर यहाँ डायरेक्ट फोर्थ क्यों लिया, मतलब इसमें टेम्परेचर को भी और केल्विन को भी 4 4? अरे कंडीशन है उसका, स्टीफंस लॉ का कंडीशन है, मतलब ये टेम्परेचर के फोर्थ पावर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए तो स्टेटमेंट दिया है। Done, sir. Done, everyone? Done, sir. Yes, sir. Okay. अब ये points मैं सारे रब कर रहा हूँ। हाँ, अब इसी में कुछ और भी points हैं, like since that RB is equal to Q upon AT है, right? और according to Stefan's law क्या था? RB which is directly proportional to the fourth power, तो हम लोग आरबी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? क्यू अपॉन ए टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ पे इसको अगर इक्वल साइन में कन्वर्ट करूंगा तो अगेन वी रिक्वायर्ड समथिंग कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी, तो वही सिग्मा ही यूज होगा, राइट? और अगर मैं यहाँ से क्यू फाइंड आउट कर लूँ तो क्या इक्वेशन दिखेगा? सिग्मा एरिया इंटू टाइम इंटू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यस और नो? यस सर। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास ऑर्डिनरी बॉडी के लिए, फॉर एन ऑर्डिनरी बॉडी ऑर्डिनरी बॉडी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? दैट ई इज इक्वल टू स्मॉल ई इंटू आर, नॉट ई सॉरी, आर इज इक्वल टू ई इंटू आर बी। याद है ना ये फॉर्मूला कहाँ से आया है? कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन से। हाँ सर। तो लिख लो पहले यहाँ तक, फिर इसके आगे का देता हूँ मैं। Done, done all? Yes, sir, done. अब guys, ये तो ordinary body के लिए, मतलब ordinary body के लिए क्या होगा? E into RB. तो पूरा formula किस तरीके से दिखाई देगा, समझ में आ रहा है आप लोगों को? रब करूं ऊपर का? हाँ सर। हाँ सर।
तो ये फॉर्मूला दिखाई देगा लाइक आर इज इक्वल टू ई इंटू सिग्मा इंटू टी रेस टू फोर. मतलब ऑर्डिनरी बॉडी के लिए सेम यही फॉर्मूला, खाली इसके साथ में क्या हो जाएगा, ई मल्टीप्लाइड हो जाएगा, जिसे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन कहते हैं. ओके ये लिख लो एक लाइन लास्ट में. अरे अभी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू फोर, तो आर बी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू टी रेस टू फोर, ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए है. तो अभी उसके ऊपर मैंने आप लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन का फॉर्मूला क्या दिया, आर इज इक्वल टू ई इंटू आर बी. तो इसके अकॉर्डिंग स्टीफन्स लॉ का फॉर्मूला क्या होगा, दैट आर इज इक्वल टू ई इंटू सिग्मा इंटू टी रेस टू फोर. हाँ सर समझा. अरे तुम लोग लिखते लिखते मतलब कहाँ खो जाते हो. मतलब जो पूरा अभी स्टीफन्स लॉ लिखा आप लोगों ने परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए था, वही सेम फॉर्मूला हम लोगों को ऑर्डिनरी बॉडी के लिए किस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से, ये वाला फॉर्मूला. लिखे सबने? हाँ सर. नेक्स्ट हेडिंग लिखो स्टीफन्स कांस्टेंट. राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग स्टीफन्स कांस्टेंट. स्टीफन्स कांस्टेंट लिखे. स्टीफन्स कांस्टेंट. हाँ सर. नेक्स्ट लाइन में लिखो अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ. अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ. अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ. स्टीफन्स लॉ क्या है, दैट आर बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर. आर बी फाइंड इक्वल में कन्वर्ट करूंगा तो सिग्मा इंटू टी रेस टू फोर. व्हेन वी फाइंड आउट द सिग्मा क्या मिलेगा, आर बी अपॉन टी रेस टू फोर. इसी आर बी को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किससे, क्यू अपॉन एरिया इंटू टाइम इंटू टी रेस टू फोर. तो ये कोई स्टीफन्स कांस्टेंट का फॉर्मूला. ओके यस सर. Done, sir. Done, sir. Done, everyone. Yes, sir. Yes, sir. अब गैस जितना भी हुआ है ना पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लो. कल एक लास्ट पॉइंट है, वो लास्ट पॉइंट खत्म करके इस चैप्टर को विद न्यूमेरिकल हम लोग फिनिश कर देंगे. सुना आप सबने? हाँ सर. हाँ सर. Yes. अभी जो भी हुआ है चुपचाप रिवाइज करो एंड लेट मी नो कि क्या डाउट है.
Is there any doubt, anyone? No, sir. No, sir. Clear है सब कुछ? हाँ, sir. हाँ, sir. Let's, मैं आप लोगों को ना textbook में एक point देता हूँ, उसको कल खाली ऐसे पढ़ के आना एक बार, like अगर आप लोगों को time मिले तो. करोगे इतना काम? हाँ, sir. हाँ, sir. हाँ, sir. Stephen Boltzmann's law of radiations दिखाई दे रहा है? Yes sir. Yes sir. तो आपको वो जो last वाला paragraph है ना, if the perfect black body having an absolute temperature T is kept in a surrounding which is at lower absolute temperature T naught, दिखाई दिया? हाँ sir. Sir. Yes sir. वहाँ से लेकर right side का जो second last paragraph देख रहे हो आप लोग? राइट साइड का जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, ऑन द अदर हैंड इफ द बॉडी इज एट टेम्परेचर, दिखा? यस सर. वहां से लेके लेफ्ट साइड के लास्ट पैराग्राफ से लेके राइट साइड के सेकंड लास्ट पैराग्राफ तक आप लोगों को अच्छे तरीके से रीड करके आना है, उसको देख के आना है और मुझे बताओगे कि आप लोगों ने उसमें क्या समझा है. स्टीफन्स लॉ पूरा समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर. तो डेफिनेटली वो चीज आपको समझ में आएगी, खाली एक बार देख कर आना. खाली डिफरेंस पे, डिफरेंस से रिलेटेड टर्म्स वहां पे लिखे गए हैं फाइनल माइनस इनिशियल के कॉन्सेप्ट में. तो मिले तो एक बार देख आना, क्योंकि कल यही लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इसको खत्म करके विल स्टार्ट न्यूमेरिकल एंड विल फिनिश दिस चैप्टर. ओके ऑल? यस सर. यस सर. सो विल स्टॉप हियर देन. अगर कोई डाउट है तो क्लियर कर लो, आइदर विल स्टॉप. सर नेक्स्ट लेक्चर में पूछते हैं. ओके ओके ठीक है. अगले लेक्चर में, मतलब कल के लेक्चर में आप लोग पूरा चैप्टर पढ़ के आओगे, क्योंकि कल इसको न्यूमेरिकली हम लोग खत्म कर देंगे और इस चैप्टर के बाद विल स्टार्ट थर्मोडायनेमिक. सुना आप लोगों ने? थर्मोडायनेमिक चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर देंगे अगले लेक्चर से. इज दैट क्लियर ऑल? यस सर. यस सर. बाय ऑल. बाय एवरीवन. बाय सर. थैंक यू. बाय सर. थैंक यू सर. बाय सर. थैंक यू सर. बाय एवरीवन. बाय सर. थैंक यू सर.